अजमेर मार्बल, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड दिखा मुझे, अजमेर मार्बल। तो दोस्तों मैं हूँ एक नाव में और नाव से गंगा क्रॉस करने के लिए। ओहो, चलो बढ़िया है भाई। ये गांव का रूप नक्शा है, ये देखिए ऐसे गांव है इधर। तो ये विलेज लाइफ है इधर बंगाल की, तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर विलेज के अंदर हम ट्रेवल करते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगभग 2.5 घंटे में मैंने 35 किलोमीटर कवर किया है। हेलो दोस्तों, राम राम सभी का। और आज हमारी ऑल इंडिया राइड को लगभग 47वां दिन हो चुका है। और कल रात को हमने वहां पर कैंप लगाया था ऊपर की जगह पे, तो अभी कैंप वैम्प सारा समेत के एकदम से सेट हो चुका है जल्दी से। एंड अभी चलते हैं, 8 बज चुके हैं फिलहाल। और आज तो भाई सोच रखा है हमने 100 किलोमीटर तो जाना ही है, सोच तो रखा है। बाकी ये जो दो लोगों की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे जो सूरज है भाई, लगभग 6:30 बजे उजाला हुआ है, 6 बजे ही उजाला हो गया। 6:30 बजे सूरज निकला और सूरज जो अभी देखो कितना ऊपर चला गया, बहुत जल्दी जल्द उजाला हो रहा है यहाँ पर। लगभग 2.5 घंटे में मैंने 35 किलोमीटर कवर किया है। लेकिन इधर चलाना इसलिए दिक्कतदारी हो रहा है क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो सीधा सामने से लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है, चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज ना बहुत प्रेशर लग रहा है तो चला ही नहीं जा रही है। अभी हम जा रहे हैं हजारद्वारी। हजारद्वारी एक हिस्टोरिकल पैलेस है एंड उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, वहीं जाके थोड़ा पता करके और हजारद्वारी दिखाता हूँ मैं आपको। 35 किलोमीटर चल चुका हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर और चलना है फिर दिखाते हैं। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ ब्रह्मपुर के एक टाउन में जिसका नाम है ताल बागान। एंड यहाँ पे भाई गांव जैसा तो कोई सीन नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो जैसे कि ये एक नेशनल हाईवे भी इधर से ही निकल रहा है, मतलब कि आप देख सकते हो। एंड गांव जैसा कोई सीन नहीं है भाई, बड़ी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है इधर, ट्रक पे ट्रक। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है। एंड गाँव का रोड जो आप देख सकते हो कि कितना रोड था, सिंगल रोड, उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर और है हजारद्वारी, तो वहाँ हमें जाना है। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मपुर में एक गांव में और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ दिखी, वो भी बड़े दिनों बाद में। जैसा कि आप देख सकते हो अजमेर मार्बल, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड दिखा मुझे, अजमेर मार्बल। भाई एकदम मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई अजमेर का जो मार्बल, अजमेर का जो नाम है, आई होप कि ये अजमेर के होंगे या राजस्थान के होंगे, तो काफ़ी खुशी हुई। देखते हैं अगर ये मिलते हैं तो इनसे बात करते हैं। वैसे अभी जिस जगह पे मैं रुका हुआ था, जैसे कि वो अजमेर वाले भैया के पास, वो हमारे नियर बाई किशनगढ़ के थे और लेकिन उनसे मीटअप जरूर नहीं करवा पाया क्योंकि उन्होंने मना किया कि आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते हो, बस बातचीत ज़रूर कर सकते हो। तो अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, तो खैर कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो मिले, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं पूछा, बट वो किशनगढ़ से थे तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर, चाय वाय पी है हमने साथ में। अभी हम चलते हैं हजारद्वारी के। भाई देखो आप, यहाँ पे एक बगीचे के वहाँ पे वो की जा रही है तार बंदी, घेरा बंदी कही जाए, जो लकड़ी के ये डंडे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो मोटा सा जो है भारी, इसे उछाल उछाल के इस पर ठोका जाता है और फिर अंदर डाला जाता है। तो ये तारों को ठोक ठोक के अंदर डाला गया है। ये देखिए उधर से एक जनरेटर चल रहा है, वो ऑपरेट करता है, ये ऊपर जाता है। और ये देखिए अब, ये देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ है भाई, हम तो अलग तरीके से घेराबंदी की जाती है। और ये कोई आम वाम का बगीचा है, देखिए आप, और लकड़ी आप देखिए कितना मोटा लकड़ी है, ये देखिए। हाँ काका हेलो कर दो। हेलो, मैं बैठा हूँ मुर्शिदाबाद में और हजारद्वारी पर पहुँच चुका हूँ, जश्न पार्टी में है हमारे। तो यहाँ पे गंगा किनारे हम बैठे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये रही नदी एकदम पास में जा रही है। और यहाँ पे एकदम प्यारी सी छत्र है, यहाँ पे ये हमारे मित्र है संपूर्ण शुक्ला और ये हमारा एक फ्रेंड है, क्या नाम है आपका भाई? शुभ। तो भाई का नाम थोड़ा अलग है, शुभ शुभ, या अंग्रेज है भाई? क्या ये क्या फॉरेन कंट्री से आया है? कौन? और ये हमारे मित्र, प्रिय मित्र शुक्ला जी, पत्रा मित्र। तो अभी हम हजारद्वारी जाएंगे और आपको मिलवाएंगे। दोस्तों अभी हम आए हैं हजारद्वारी और हजारद्वारी हजारद्वारी आए हैं, लेकिन आज देखो बेनसीबी की बात है कि
आज जुम्मा है मतलब शुक्रवार है तो आज बंद रहता है, तो कितना दूर से हम ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं यहीं तक के लिए और यहाँ आके पता चला कि आज बंद है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं वो, तो हम अब आगे चलते हैं, हम सिलीगुड़ी की ओर निकलते हैं, अब कहीं भी स्टॉप नहीं लेंगे हम। दोस्तों मैं हूँ एक नाव में और नाव से गंगा क्रॉस करने के लिए 5 रुपया लगता है, तो अभी नाव में बैठे हैं ये देखिए आप, और इस जगह से उस साइड में जाने के लिए आप देख सकते हो, और ये हमारे दोनों साथी और साइकिल और गाड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हो कितनी सारी है, अब क्या ही करें। तो इधर से बस कुछ ही किलोमीटर पर हाईवे हमें मिल जाएगा और फिर हाईवे से हम सिलीगुड़ी की ओर जाएंगे। तो अभी हम एक गांव से निकल रहे हैं और वो भी हाईवे के लिए, और शायद कितना प्यारा सीन है भाई, मतलब दोनों साइड में हमारे आप देख सकते हो ये खेत है और ये भी खेत है और इसके बीच में से हम निकल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बहुत लाइफ के बहुत खुशहाल वाले पल है, मुझे हमेशा याद रहेंगे जब तक मैं बुढ़ा हो जाऊंगा जब तक, और फिर मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी कि मैं भी ऐसे कहीं ट्रेवल करने गया था, ऐसा ऐसा नज़ारा हुआ था, मतलब क्या ही बोलूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत खुशी मिल रही है, दादा दादी बैठे हैं देखो, एंड ये गाँव का रूप नक्शा है ये देखिए, ऐसे गाँव है इधर, देखिए बंगाल में माता जी का विसर्जन करना है, देखो ये जा रहे हैं, देखो 5-6 लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं भाई, बाकी काफ़ी अच्छा। दोस्तों बंगाल में इस वक्त हूँ और ये आप देश जैसे देख सकते हो, ये इतने बड़े बड़े जो बनाए हुए हैं होद जैसे, बहुत बड़ी आर्ट लगा लगा के खोद के बनाया होगा, इसे खोद के बनाया होगा, इसमें मछली पालन होता है, देखो मछली पालन होता है इसमें, और ये भैया जी का हाथ में दिखा भी सकते हो, भैया दिखा देना थोड़ा एक उठा के, ये छोटा वाला मछली है, ओहो चलो बढ़िया है भाई, चलो तो यहाँ पे देख सकते हो मछली पालन होता है, छोटी छोटी मछली है, तो भैया के हाथ में बड़ी मछली भी होती होगी, ओके तो बड़ी मछली अभी इधर होती है, तो ये विलेज लाइफ है इधर बंगाल की, तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर विलेज के अंदर हम ट्रेवल करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों गांव में आने के ये तो फ़ायदे होते हैं, यहाँ पे एकदम ताज़ा ये देख सकते हो टमाटर थे, ये दादा के जे ठेले भरे हुए हैं, और ये हैं क्या नाम है आपका, सोमनाथ मंडोल, अच्छा और आपका, श्रीधर मंडोल, अच्छा तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल के, आंटी जी भी, आंटी जी क्या नाम है आपका, अच्छा तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, हमने दादा ने अभी एक दो टमाटर भी दिए खाए हैं, काफ़ी दिनों से मन कर रहा था टमाटर खाने का, लेकिन अभी देख लो ताज़ा एकदम फ्रेश टमाटर खाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अभी हम रुके हैं हाईवे पे आ चुके हैं और चाय पीने रुके हैं, ये आ गए हमारी कुल्लड़ वाली चाय और वो हमारी साइकिल खड़ी है उधर, थोड़ा पब्लिक क्राउड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये आप देखिए, अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है, मज़ा आता भाई, कैसी है चाय, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया, भैया किताब बोल रहे हो 15 रुपए की है, इसलिए थोड़ा हमें थकान नहीं कम हो रही हमारी, चलो यहाँ पे चल रहा है भाई कंस्ट्रक्शन, तो एक साइड का रोड पूरा खाली है जहाँ पर बाइक भी अलाउ नहीं है लगभग, तो साइकिलिंग तो कर सकते हैं, एंड साइड वाला रोड चालू है, तो अभी हम इस खाली रोड पे जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है भाई चलाने में, ये देखिए खाली रोड में बहुत ही इजीली चला पा रहे हैं, एंड ट्रैफिक इधर बहुत है बहुत, अभी सिंगल पट्टी से चलते तो बहुत सारे ट्रक वरक आ जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, शूट भी नहीं कर पाता, एंड पास में देख सकते हो ये प्यारा सा सनसेट एंड खेत वगैरह है जो कि बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो अभी रास्ते में चल रहे थे और रास्ते में ये भाई लोग मिले, हेलो भैया क्या नाम है, मेरा नाम साहिल है, अच्छा और भैया मेरा नाम इकबाल, वही है सर, मेरा नाम सुदीप तो है, अच्छा तो आप यहीं से हो सर, तो दोस्तों वहाँ थोड़ा सा आगे आने पे हमें एक होटल मिला है, जैसा कि आप देख सकते हो एक आकाश मतलब एंड गेस्ट हाउस है, ये रतनपुर में देख सकते हो, ये एड्रेस है रतनपुर में, और आज इसी जगह स्टे करने वाले हैं, वहाँ साइड में हम कैंप लगाने वाले हैं अंदर छप्पर के नीचे, कैंप लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मच्छरों की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो कैंप लगा लेंगे तो थोड़ा आराम से स्टे कर लेंगे, और तो आज का स्टे यहीं हुआ है और आज के ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं करते हैं, और इतने हसीन तरीके से, और कल मिलते हैं आपको एक नए एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।